सूर्यास्त के रंग। अध्याय एक। धूप धीरे धीरे जमीन पर लेटती जा रही थी और धुंधला सा आकाश नारंगी और लाल रंगों में रंग रहा था। एडेन ने अपना क्ले का बर्तन धो लिया था और अब वो साइकिल पर सवार होकर अपने कक्षा की ओर रवाना हुआ। हवा में कला की खुशबू फैली हुई थी। कलाशाला पहुंचकर एडेन ने अपनी जगह चुनी और अपनी सामग्री निकालने लगा। कक्षा शुरू हो चुकी थी और बाकी सदस्य अपने काम में मग्न थे। तभी उसकी नज़र एक कोने में बैठी लड़की पर पड़ी जो एक चित्र बना रही थी। उसके हाथ का हर हरकत इतना माधुर्यपूर्ण था कि एडेन को देखते रह गया। काफी देर बाद भी जब वो उस लड़की की ओर देखता रहा तो उसने अपनी ओर देख कर हंसी। एडेन शर्मा गया और अपना सिर झुका लिया। तभी उस लड़की ने कहा, क्या बात है, कोई समस्या है क्या? नहीं, मैं सिर्फ आपके काम को देख रहा था। बहुत ही सुंदर लग रहा है, एडेन ने कहा एक नम्र स्वर में। धन्यवाद, लड़की ने कहा और हंसते हुए बोली, मेरा नाम लिली है। आप कौन है? मैं एडेन, मैं पहली बार इस कक्षा में आया हूँ। हाँ, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या आप भी कलाकार हैं? लिली ने पूछा। जी हाँ, मैं चित्रकला में रुचि रखता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ प्रवेश लिया है ताकि मेरी क्षमता और ज्ञान बढ़ सके। बहुत अच्छा, मुझे भी चित्रकला बहुत पसंद है। हम दोनों के बीच काफी समानताएं हो सकती हैं। आइए हम बात करते हैं, लिली ने कहा। एडेन को खुशी हुई कि लिली उससे बात करने को तैयार है। दोनों ने अपने काम के साथ साथ कला और रचनात्मकता के बारे में बातचीत करनी शुरू कर दी। कक्षा के बाद जब सभी लोग बाहर निकले तो लिली ने एडेन से कहा, क्या आप बाहर चलकर कला गैलरी देखना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आपको वहाँ के कुछ काम पसंद आ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल चलता हूँ, मुझे बहुत इच्छा है आपके साथ वहाँ जाने की, एडेन ने कहा। लिली ने मुस्कुराकर कहा, चलिए तो चलते हैं। एडेन को लिली के साथ इतना समय बिताने के लिए बहुत खुशी हो रही थी। उसे लग रहा था कि लिली उसकी तरह ही कला में रुचि रखती है और दोनों के बीच गहरा बंधन बन सकता है। वो लिली से दूर नहीं होना चाहता था। एडेन और लिली ने गैलरी में काफी देर तक भ्रमण किया और अलग अलग कलाकारों के कामों की तुलना की। दोनों के बीच की बातचीत बहुत ही मजेदार और गहरी थी। सूर्यास्त होते होते भी दोनों अभी भी बातें कर ही रहे थे। घर वापस लौटते हुए लिली ने कहा, एडेन, आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्या हम कल फिर से मिल सकते हैं? जी हाँ, मुझे भी आपके साथ बहुत अच्छा लगा, मैं कल फिर से मिलने के लिए तैयार हूँ, एडेन ने कहा। ठीक है, तो कल मिलते हैं, लिली ने कहते हुए विदा ली। एडेन घर पहुंचकर अभी भी लिली के साथ बिताए गए समय के बारे में सोच रहा था। उसे लग रहा था कि लिली से उसका गहरा और अलग ही तरह का कनेक्शन बन रहा है। क्या यह सिर्फ दोस्ती है या कुछ ज्यादा, एडेन ने सोचा और सो गया।